अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शोबिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज काफ़ी नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस देखे हमने। पूरे दिन मार्केट के अंदर रोल ओवर वीक का एसेंस दिखाई दिया और यहां पर मार्केट की जो एक पोजीशन है काफ़ी हद तक एक कॉशियस स्टैंस की तरफ नज़र आ रही है। इन्वेस्टर्स भी कॉशियस नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन का फियर है या कोई और चीज़ है जो डिस्टर्ब है, ऐसा जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक रोल ओवर वीक में देखे जाते हैं। और अगर हम बात करें आज की, तो मार्केट के अंदर 47,500 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो काफ़ी हद तक लूज़ होता हुआ दिखाई दिया और 47,000 के 200 अबव क्लोजर रहा। इट मींस के मार्केट के अंदर ये पोटेंशियल जो काफ़ी कॉशियस स्टैंस की तरफ जा रहा है, लेट्स सी कि कब तक जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,686.99 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट गई 47,874.69, लोअर वॉज 47,241.55 एंड फाइनली क्लोजर 47,318.03। फाइनली क्लोजर रहा एक पॉजिटिव। हम चेंज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज नेगेटिविटी देखी गई 368.96 के डिक्लाइन के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 365.77 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 66.85 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 12.30 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.17 के डिक्लाइन के साथ। 3.57 पे क्लोजर 40.37 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बाइको पेट्रोलियम सेकेंड स्कॉट पे 0.16 का डिक्लाइन देखा गया। 9.90 पे क्लोजर रहा। 26.89 जो है मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली टेलीकार्ड 0.21 का डिक्लाइन, 14.86 पे क्लोजर, 13.22 का कारोबार रहा। तीनों पेनी स्टॉक्स दिखाई देते हैं और ये स्क्रिप्ट्स काफ़ी हद तक डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर जो पेनी स्टॉक्स में काम होता हुआ दिखाई दे रहा था, पार्टिसिपेशन देखी जा रही थी इन्वेस्टर्स की, वो काफ़ी हद तक शेड होते हुए आज के दिन दिखाई दिए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हमने प्रोग्राम को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो टॉपिक ऑफ द डे में आज हम मॉनेटरी पॉलिसी को पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे पहले सेगमेंट में, और दूसरे सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे DFCs, जो जिस पर हमें एक डिटेल प्रोग्राम करना था, क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें काफ़ी हद तक एक पॉजिटिविटी आई है 60 डेज और 90 डेज की। तो ये आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अब्बास साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं आरिफ अबीब कॉरपोरेशन के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए ताहिर, एक कॉशियस स्टैंस नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। कल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी, ये कहा जा रहा था कि काफ़ी हद तक जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि 7% ही लॉक्ड रहेगी इस मॉनेटरी पॉलिसी, और इस पूरे ईयर के लिए भी यही एनालिसिस है। आप क्या समझते हैं कि मार्केट ने आज ओवर रिएक्ट करा है इस बात पर, या फिर अभी मार्केट इसके लिए प्रिपेयर थी? जी देखिए, इसका मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जब से हमारा जून का करंट अकाउंट डेफिसिट आया था जो कि तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर था, तो उसके बाद लोगों में थोड़ा सा एक फियर क्रिएट हो गया था कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और इवेंचुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारी, ये जो है ये दोबारा से हम जिस तरह हमने विटनेस किया है लास्ट 20 ईयर्स में कि हमारा एक बूम एंड बस्ट साइकिल होता है। हम लोग अच्छा करते हैं, करंट अकाउंट बढ़ता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, फिर अचानक से जो है वो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हमारी करेंसी स्लिप हो जाती है, और उसके बाद जो हमारी जीडीपी ग्रोथ का एक मोमेंटम बना होता है वो वापस हो जाता है। तो इस दफ़ा भी इन्वेस्टर्स का यही फेयर था कि कहीं हम दोबारा उसकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे। उसके बाद हमने करेंसी की मूवमेंट देखी थी, 153 का लो लगा के करेंसी जो है वो 162.5 तक जो है वो गई थी। तो आज के अलावा अगर हम एक हफ्ता या डेढ़ दो हफ्ते पहले की भी सिचुएशन देखें तो इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा फेयर था, और प्राइमरली वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से। मैं इसको 2 वीक्स बिफोर से स्टार्ट करना चाहूंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اوور آل مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ کے بارے میں اور اس کے امپیکٹ کے بارے میں۔ طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ طاہر، جو امپیکٹ مارکیٹ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، وہ دو ہفتے پہلے سے جو تھا، پلیز وہ بتائیے۔ جی بالکل، جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ جو ایک انویسٹرز میں فیئر تھا وہ ہماری بیلنس آف پیمنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کو لے کے ہی تھا، اور پھر ہم نے جو کرنسی کی موومنٹ دیکھی تھی، اسپیشلی 153 سے 162.5 تک کرنسی جو ہے وہ ہو گئی تھی، تو لوگوں کو فیئر اسی بات کا تھا کہ ہم دوبارہ سے کہیں اس سائیکل، ایک برسٹ سائیکل کی طرف تو نہیں جا رہے۔ تو یہ ایک فیئر تھا جس کی وجہ سے مارکیٹ کی پرفارمنس اگر آپ پچھلے 2 سے 3 ہفتے میں دیکھیں تو لیک لسٹر پرفارمنس رہی ہے۔ مارکیٹ ایک جگہ پہ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے، کوئی بہت میجر اپورڈ ٹرینڈ ہمیں مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا، پارٹیسپیشن بھی اتنی نظر نہیں آ رہی، والیوم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ کم ہو گئے تھے۔ بٹ کل جو مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹمنٹ آئی، اور اس کے بعد رضا باقر صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ ایک اینالسٹ بریفنگ بھی ہوئی، تو اس سے آئی تھنک کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئی ہیں۔ اس کو اگر میں براڈلی ڈسکس کروں تو کل 4 میجر چیزوں پہ رضا باقر صاحب نے جو ہے وہ ایڈریس کیا۔ سب سے پہلے جیسے انہوں نے اس بات کو اناؤنس کیا کہ اسٹیٹس کو کی پالیسی جو ہے، اکوموڈیٹو پالیسی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انہوں نے ریزن، پرائمریلی ریزن یہی دیا کہ جو ہم نے اسٹیمولس دیا ہے اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے، جی ڈی پی گروتھ کو انکریز کرنے کے لیے، اور تمام اکراس دا بورڈ جتنے کریٹ ا بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ، جی بالکل، تو اگر ہم اس اسٹیمولس کو وقت سے پہلے واپس لے لیں گے تو جو ہم نے اس کے مثبت نتائج دیکھے ہیں وہ بہت جلد نیگیٹو ہو جائیں گے۔ تو اتنا بڑا رسک جو ہے وہ اکانومی کے ساتھ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم نہیں لے سکتے۔ سیکنڈلی، دوسرا ریزن ان کا یہ تھا کہ جو کووڈ کی فورتھ ویو ہے، اسپیشلی جو ڈیلٹا ویریئنٹ کا ہم نے آج کل سنا ہے جو بہت تیزی سے اسپریڈ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ہم اپنا کووڈ کا ٹرینڈ بھی دیکھیں تو فورتھ ویو بہت تیز اسپائک کے ساتھ، مطلب ایک بہت زیادہ کیسز، نمبر آف کیسز ہمارے ملک میں جو ہے وہ دوبارہ سے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت
हमारे मुल्क का इन्फेक्शन रेशियो तकरीबन 6.5-7% के करीब हो गया है। आज भी 3,000+ केसेस जो है वो रिपोर्ट्स हुए हैं। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्सीनेशन, जी बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो है वो हमारी तकरीबन 25 million+ वैक्सीनेशन जो है वो हो गई है। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट की एक कोशिश है और गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है, बट ये जो फोर्थ वेव है इसका सबसे बड़ा जो डेल्टा वेरियंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, तो उसकी वजह से आपका जो पॉजिटिव रेशियो है वो बहुत ऊपर जाता है और कोविड से डबल इसका जो एक इफेक्ट है वो ज़्यादा है। जी बिल्कुल, तो इसी चीज़ को बेस बनाते हुए इकोनॉमी को जो है वो रिस्क में नहीं डाल सकते, इस वजह से स्टेट बैंक ने जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटस को रखी। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ, जीडीपी ग्रोथ की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ फिस्कल 21 में तकरीबन 3.9% गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की है, तो फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टेट बैंक की अपनी जो एक्सपेक्टेशन है जीडीपी ग्रोथ की वो 4-5% के करीब है, और उसमें ऑब्वियसली जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होगी वो हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, इसके साथ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर। आईएमएफ ने भी रिवाइज किया है ना जीडीपी ग्रोथ हमारा? जी, आईएमएफ की 1.5% थी फॉर फिस्कल 21, अब उन्होंने रिवाइज अपवर्ड करके 3.9% जो गवर्नमेंट का टारगेट है उसके करीब वही तकरीबन जो है वो कर दिए। तो नेक्स्ट ईयर अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ने अदर देन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन जो स्टिमुलस दिया है, जिसमें स्पेसिफिकली टर्फ फाइनेंसिंग जो टेम्प्रेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी है, जिसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड तमाम इंडस्ट्रीज ने स्पेसिफिकली टेक्सटाइल केमिकल्स सीमेंट स्टील उन्होंने एक्सपेंशन अनाउंस की है, तो वो भी ऑब्वियसली 1-1.5 साल में मटेरियलाइज होते हुए आपकी इकोनॉमी में जो है वो हिट होगा। तो दूसरा जो उनका मेजर पॉइंट जीडीपी के हवाले से था, तो स्टेट बैंक की अपनी एक्सपेक्टेशन 4-5% की है, हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 4.8% की जीडीपी ग्रोथ होगी। तीसरा पॉइंट उनका इन्फ्लेशन के हवाले से था, इन्फ्लेशन 2021 में 8.9% पे जो है वो क्लोज हुई है। नेक्स्ट ईयर का जो स्टेट बैंक का टारगेट है वो 7-9% के दरमियान है, तो अगर हम देखें तो उसमें ऑब्वियसली हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है और एनर्जी इन्फ्लेशन है वो थोड़ी हायर साइड पे 8.9% जैसे मैंने जिक्र किया, और जो नॉन फूड नॉन एनर्जी NFNE इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 6.5% के करीब है। तो नॉन फूड नॉन एनर्जी जो इन्फ्लेशन है वो इट्स स्टिल कंट्रोलेबल। अच्छा, अब जो फूड इन्फ्लेशन है और जो एनर्जी इन्फ्लेशन है उसकी बढ़ने की बुनियादी दो रीज़न है कि अगर आप ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस को देखें जिसमें वीट शुगर जो भी कमोडिटीज की प्राइसेस हैं इंक्लूडिंग ऑयल प्राइसेस, तो वो कोविड के बाद जिस तरह पूरी दुनिया लॉकडाउन से निकली है और एक डिमांड पुल अप आया है, उसकी वजह से तमाम कमोडिटीज़ में हम देख रहे हैं कि उनके लेवल्स जो है वो काफ़ी ऊपर तक हैं, और वही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने देखा कि इस साल भी जो है वो महंगाई की शरह थोड़ी हाई साइड पर थी। अगले साल लगता है ऐसा है कि जिस तरह थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होगी दुनिया में, तो ये जो इतनी हायर प्राइसेस पे कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही हैं ये थोड़ी सी जो है वो बेटर ऑफ हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जैसे हमने देखा कि हमने पिछले साल जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं जिनका वेट है CPI बास्केट में, जिसमें वीट आ जाता है शुगर आ जाता है, वो हमने अब जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है वो ये है कि जिस चीज़ की भी मुल्क में थोड़ी कमी हो रही है इसको इम्पोर्ट करके जो है वो मुल्क में रखा जाए, ताकि कोई भी ऐसे अनासर जो कि शॉर्ट फॉल क्रिएट करके उससे फायदा उठाना चाहे, बिल्कुल, मतलब सप्लाई नहीं है आपके पास और डिमांड उसकी ज्यादा है, तो रिसेंटली अभी शुगर इंपोर्ट की जा रही है वो भी इसी का हिस्सा है। जी बिल्कुल, जो जैसे आपने कहा शुगर जो इंपोर्ट की जा रही है वो भी इसी के, एडिक्वेट बफर होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर बेसिक कमोडिटीज का, क्योंकि ये आटा चीनी ये डेली जरूरत की चीजें हैं हमारे मुल्क में, और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट एक आम जनरल पब्लिक पे जो है वो हो रहा होता है। तो ये भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट बफर मेंटेन कर लेगी, तो जो अनासिर शॉर्टेज क्रिएट करके फ़ायदा उठाते हैं उनको उनके ऊपर भी जो है वो सख्ती होगी और क्रैकडाउन होगा, और ये जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड प्राइसेस हो जाती हैं ये भी जो है वो उस क्वांटम पे नहीं जाएंगे और ये भी जो है वो मैनेजेबल होंगी। आखिरी चीज़ फॉरवर्ड गाइडेंस थी, फॉरवर्ड गाइडेंस का पिछले 3 महीने पहले से स्टेट बैंक ने ये फॉरवर्ड गाइडेंस देनी शुरू की है। फॉरवर्ड गाइडेंस से मुराद ये होता है कि जो नेक्स्ट इमीडिएट मॉनेटरी पॉलिसी है उस तक स्टेट बैंक का क्या व्यू है। तो जो उनकी फॉरवर्ड गाइडेंस जो पिछली दफ़ा थी समवॉट इस दफ़ा भी वही है कि अनफोर्सिबल सर्कमस्टेंसेस अगर कोई नहीं हुए तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेटस को ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो सितंबर की मॉनेटरी पॉलिसी है मोस्ट लाइकली वो भी जो है वो अनचेंज रहेगी, बट उनके साथ साथ एक जो उन्होंने रिस्क फैक्टर बताया, दो रिस्क फैक्टर बेसिकली बताए जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, जी इसमें एक जो है वो आपकी इन्फ्लेशन था 7-9% की रेंज से अगर और ज़्यादा ऊपर इन्फ्लेशन जाती है तो ऑब्वियसली वो थोड़े से डिटेरिएट करेगी, और उसके साथ साथ जो एनर्जी टैरिफ्स हैं, जो हमारी एनर्जी की प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, क्योंकि आप देखें ऑयल की प्राइसेस काफ़ी जो है वो ऊपर ट्रेड हो रही हैं, और इसी तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हाइक भी करना है, अभी नहीं करना, 6 महीने बाद करना है, लेकिन हमने करना है, तो ये दो फैक्टर ने बताया कि ये रिस्क हैं हमारी इन्फ्लेशन पे। लेकिन जो उनका स्टांस रहा है फॉरवर्ड गाइडेंस का वो यही रहा है कि अकोमोडेटिव मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मीटिंग में भी। तो अगर हम इसको जो है वो टोटल ओवरऑल देखें, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने फंडिंग गैप के हवाले से जो है वो की, फंडिंग गैप बेसिकली ये होता है कि हमारे जो भी आउटफ्लोज हैं फॉर नेक्स्ट ईयर और जो हमारे इनफ्लोज हैं, तो अगर लेट से हमारे आउटफ्लोज जो हैं वो ज़्यादा हैं और इनफ्लोज कम हैं, तो वो फिर हम अपने रिजर्व से फंड कर रहे होंगे ऑब्वियसली। तो अगर लेट से हमारे $20 बिलियन के आउटफ्लोज हैं फॉर नेक्स्ट ईयर और हमारे $15 बिलियन के इनफ्लोज हैं, तो $5 बिलियन का मतलब नेट जो है वो हम अपने रिजर्व से फंड कर रहे होंगे। तो वो भी कल उन्होंने एक चीज़ ऐड की कि जो हमारे इनफ्लोज हैं और जो हमारे आउटफ्लोज हैं वो एडिक्वेट जो है उनकी मैचिंग हुई हुई है, और 2022 में जो रिजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं स्टेट बैंक के उनका लेवल फिस्कल 21 में जो हमने क्लोज किया था उससे हायर साइड पे होगा। Exactly. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि लोगों को जो फियर था वो इसी बात का था कि दिस इज कॉल्ड पॉलिसी जो कि बनाई गई और उसके आहिस्ता आहिस्ता करके रिजल्ट्स आ रहे हैं, यू आर सेइंग दैट। जी बिल्कुल। अच्छा ताहिर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मार्केट के अंदर जो DFCs के जो एक न्यूज़ आई और फिर उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है, 60-90 डेज के अंदर भी आप फ्यूचर्स जो है वो काम कर सकते हैं, पहले हमारे पास सिर्फ 30 डेज पे जो है ये फैसिलिटी मौजूद थी, और इसके साथ साथ जो रोल ओवर वीक होता था वो मार्केट के अंदर एक अच्छी मार्केट को भी ख़राब कर देता था, ये प्रेशर बिल्डअप हो जाता। मैं आपका कॉमेंट लूँगी लेकिन पहले हम देखते चलते हैं रिपोर्ट, फिर वापस आते हैं। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने और माहौल को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए अहम इस्लाहात लाए जाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 90 दिन के डिलीवरीएबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि DFC को मुतारिफ कराया है। अब इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड काउंटर पर स्टॉक की खरीदारी के अब 90 दिन बाद सेटलमेंट हुआ करेगी। हाल ही में जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक फ्यूचर काउंटर पर 84 कंपनियां और एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF तिजारत करने के अहल करार पाए हैं, इसीलिए अब तवक्को जाहिर की जा रही है कि नई DFC तिजारती हजम और लिक्विडिटी को फरोग देगी। 90 दिन के मुआहदे से सरमायाकारों को फ्यूचर मार्केट में बड़ी तादाद में कंपनियों तक रसाई हासिल हो सकेगी, जबकि वो मौजूदा 30 दिन के मुआहदे पर महाना रोल ओवर प्रेशर से भी बचेंगे। इन्वेस्टर्स ने तवील उलमुद्दत फ्यूचर मुआहदे मुतारिफ कराने में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। 90 रोजा मसनूआत मार्केट में फरोख के दबाव को कम कर सकती है, क्योंकि सरमायाकारों की एक बड़ी तादाद उधार पैसों से फ्यूचर मुआहदे खरीद देती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट ने 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन के DFC और कैश से तयशुदा फ्यूचर मुआहदे CSF के हिस्से की अहलियत के लिए उसूलों और मयार को भी तब्दील किया है, क्योंकि सरमायाकार किसी भी वक्त खत्म होने से पहले अपनी मौजूदा पोजीशनों पर काम कर सकते हैं, जो कि रोल ओवर के दबाव को किसी हद तक कम करेगा। डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, इस पर मज़ीद बात करेंगे, ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर पहले ये बताइए कि ये एक्चुअली है क्या और इससे अब कितने फ़ायदे होंगे? जी देखें, DFC जो काउंटर है, इसको फ्यूचर काउंटर जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली फ्यूचर में जिस तरह कोई भी एक स्टॉक है, लेट से एक्स स्टॉक है, तो उसका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो अवेलेबल होता है। ये हर स्टॉक का नहीं होता, देयर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में डिफरेंट बेंचमार्क्स होते हैं जो कि फुलफ़िल करने होते हैं, जिसमें जो है वो वैल्यू ट्रेडेड होती है, इम्पैक्ट कॉस्ट होती है, फ्री फ्लोट की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ क्राइटेरिया हैं, उसको अगर मीट करते हैं तो वो कंपनी जो है वो फिर एलिजिबल होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। तो ये जो जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि ये अब 30, 60, 90 डेज के लिए, पहले ये सिर्फ 30 डेज के लिए होते थे, तो उससे होता ये है कि आप जो है वो एक तरीके से क्रेडिट पे जो है वो पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ या तो आप उसे रोल ओवर कर लेते हैं, रोल ओवर से मेरा मतलब यह है कि आप उसे नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर आप उसकी डिलीवरी ले लेते हैं। मींस के लेट से अगर 100 रुपये का शेयर आपने फ्यूचर में
₹30 में ख़रीदा है और ₹70 उस पर उधार है, तो आप ₹70 और पे करके जो भी पोजीशन आपकी नेट पॉजिटिव या नेगेटिव होती है उसको मार्क टू मार्केट करके उसके डिलीवरी जो है वो ले लेते हैं और वो आपका फिर एज अ रेडी काउंटर में जो है वो स्टॉक बन जाता है। तो ये बेसिकली थोड़ा टाइम पहले ही जो है वो 60 days और 90 days का इसमें जो है वो एडिशन हुआ है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे आपने भी जिक्र किया कि होता ये था कि ऑब्वियसली फ्यूचर की पोजीशन, जैसे आजकल नॉर्मल फ्यूचर की और तमाम लेवरेज प्रोडक्ट को मिला के जो पोजीशन चलती है वो 40-45 billion, 50 billion होती है, जिसमें DCF ब्लैंक सेल भी मौजूद है, जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है, जिसमें MTS भी मौजूद है, जिसमें MFS भी मौजूद है। तो उसमें जो सिर्फ फ्यूचर वाले एलिमेंट है तो उसमें ये सिर्फ 30 दिन वाले में ये होता था कि जो आखिरी वीक होता था जिसमें आपने रोल ओवर करना होता था या आपने उसकी डिलीवरी लेनी होती थी, तो उसमें उन स्पेसिफिक स्टॉक्स में जहां बड़ी पोजीशन होती थी, जिसमें इन्वेस्टर ज़्यादा काम करते हैं, जो मार्केट के टू सम एक्सटेंट फेवरेट स्टॉक्स हैं जिनमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है, तो उसमें प्रेशर आता था। अब ये ज़रूरी नहीं है था कि हर दफ़ा ऐसा हो कि प्रेशर आए, कभी ऐसा भी होता था कि मार्केट में जो है वो, लेकिन काफ़ी दफ़ा यही हुआ है कि ड्रैग हो जाता था काफ़ी दफ़ा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि चूँकि रोल ओवर करना होता था, रोल ओवर हो नहीं पाता था, स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि दो कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आप स्विच कर रहे होंगे तो उसमें स्प्रेड का एक एलिमेंट होगा, तो वो फिर आपकी ऑब्वियसली अपनी इंटेलिजेंस होती है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे बेच दें या उसकी डिलीवरी ले लें या उसको रोल ओवर कर लें, तो उसमें एक प्रेशर आ जाता था आखिरी हफ्ते में, जिसको हम रोल ओवर वीक कहते हैं स्पेसिफिकली। तो अब जब 60 डेज और 90 डेज का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो अब जो चीज़ एक एक महीने बाद हो रही थी वो 60 दिन बाद भी पॉसिबल है और वो 90 डेज बाद भी पॉसिबल है। तो स्टॉक्स जो हैं वो उनके 30 डेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल हैं, 60 डेज भी अवेलेबल हैं और 90 डेज भी अवेलेबल हैं। तो उससे होगा ये कि जो एक महीने में आपने उसको रोल ओवर करना होता था या उसकी डिलीवरी लेनी होती थी, उसमें आपको एक एडिक्वेट गैप मिल जाएगा। और आपको पता है मार्केट में के सेंटिमेंट जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे होते हैं, तो पहले आपने जो 30 दिन में ही काम करना हो, लेट सपोज आपकी मार्केट उस वक्त जो है वो सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव है, तो आपको या तो उसको नुकसान में बेचना पड़े या आपको उसको अगर डिलीवरी में आप लें तो आप थोड़ा सा जो है नेगेटिव साइड पे आ जाएं, या अगर आप स्क्वायर ऑफ करें पोजीशन तो नेगेटिव साइड पे आ जाएं, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप 60 डेज वाला कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, 90 डेज वाला भी ले सकते हैं। तो आपके पास थोड़ा सा एम्पल टाइम है, आपके पास टाइम है, और ऑब्वियसली ये जिस 30-60-90 डेज हुए तो एक लिक्विडिटी भी ये ओवरऑल मार्केट में जनरेट करेंगे, क्योंकि पहले सिर्फ 30 डेज में काम हो रहा था, अब अगर सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में काम होगा, खासकर जो लेवरेज पे होते हैं उनको भी फायदा होगा। जी बिल्कुल, लेवरेज को भी फायदा होगा, और जब आपके पास ऑप्शन है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम्स भी जो हैं वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बेहतरी की तरफ आए। और अच्छा, डेली हम रेडी मार्केट के जो वॉल्यूम्स देखते हैं वो तकरीबन 13-14 billion आजकल हो रहे हैं, आगे हमने प्रीवियसली बहुत अच्छे वॉल्यूम्स भी देखे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी ड्राई हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? और अगर फ्यूचर के कंपाइल करें तो आपने कहा कि 45 तक बन जाते हैं, 45 बिलियन तक, अब जबकि ये फैसिलिटी आ गई है हमारे पास, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे इतने? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं ये अभी आए हैं, क्योंकि जो अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर के अवेलेबल हुए हैं, तो अब ये आए हुए ने एक दो दिन हुए हैं, तो हम एक दो दिन से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वेदर उन्होंने वॉल्यूम अट्रैक्ट किया है या नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक दो तीन महीने का टाइम चाहिए उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जब लिक्विडिटी मार्केट में होती है और मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, तो वो चीज़ रेडी शेयर्स में भी रिफ्लेक्ट होती है, मतलब रेडी का वॉल्यूम भी अच्छा होता है और लाइकवाइज फ्यूचर का वॉल्यूम भी अच्छा होता है। तो अगर और मार्केट का सेंटिमेंट अगर थोड़ा सा डल होता है, जैसे आज मार्केट का सेंटिमेंट डल था ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीज़न, हालांकि जो स्टेट बैंक की कल मॉनेटरी पॉलिसी थी जो हमने भी डिस्कस की, उसकी टोन आई बिलीव काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी, उसमें एग्जैक्टली मार्केट को उसका रिएक्शन देना चाहिए था, ओवर रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। तो मार्केट को आज मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्म करना चाहिए था, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो ये अगेन एक रोल ओवर वीक चल रहा है, क्योंकि ये महीने का आखिर है। कोई और रीजन? इसके अलावा जो कोविड की थोड़ी सी सिचुएशन है, और फिर आज जो कुछ न्यूज टिकर ड्यूरिंग मार्केट आवर चले थे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो 15 दिन का लॉकडाउन कराची में इम्पोज करने का कहा है, दे हैव रिक्वेस्टेड द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की नोट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
और फ्राइडे को जो है वो उसका मीटिंग है। तो फ्राइडे को सिंध गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि कराची में किस तरीके से जो है वो कोविड के फैलाव को रोकना है, क्योंकि अगर हम कराची का पॉजिटिव रेशियो देखें तो 26% से ऊपर चला गया है और जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेज हैं वो डेल्टा वेरियंट के केसेज हैं, और डेल्टा वेरियंट की जो ट्रांसमिशन है वो जो इनिशियल वेरियंट था उससे 3-4 गुना जो है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से थोड़ा सा कोविड की साइड से इन्वेस्टर्स जो हैं वो फियरफुल हैं कि अगर कोई लॉकडाउन होता है या एक्सटेंडेड लॉकडाउन होता है तो ऑब्वियसली वो एक ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट के लिए एंड इवेंचुअली मार्केट सेंटिमेंट के लिए जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। तो ये रोल ऑफ अ वीक, उसके साथ साथ जो कोविड की सिचुएशन है इसको लेते हुए आज जो है वो आई थिंक मार्केट ने जो है वो नेगेटिव परफॉर्म किया। प्रीवियसली आपने कहा कि 2 हफ्ते से मार्केट जो है वो काफ़ी कॉशियस स्टैंड पर थी। हमने देखा था कि कंसोलिडेशन प्रोसेस चल रहा था, 48,000 के लेवल्स पे मार्केट स्टक थी, एक फंसी हुई थी, और फिर उस पर आगे भी नहीं बढ़ रही थी, पीछे भी नहीं जा रही थी। अब हम देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा स्लोली ग्रेजुअली काफ़ी हद तक सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ रही है, लेकिन 47,000 का लेवल कितना स्ट्रांग है और आप आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टारगेट्स रखे गए हैं इकोनॉमिकली और काफ़ी हद तक फिस्कल ईयर के लिए वो कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं उस बात से कि आने वाले दिनों में मार्केट उसको जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करे। जी देखें, जो मार्केट का थोड़ा सा स्लो डाउन था और आई वुड से कंसोलिडेशन फेस था, वो मैंने अभी जिक्र किया कि वो थोड़ा सा जो लोगों को कंसर्न था करंट अकाउंट पे और करेंसी पे उसकी वजह से था। डोंट यू थिंक इंटरनेशनली जो न्यूज़ थी अफगानिस्तान एंड ऑल उसका भी इम्पैक्ट था मार्केट के ऊपर, एक फियर? जी एक एंगल वो भी है कि जो अफगानिस्तान में सिचुएशन थी और जो हालात थे, फिर हमारा चमन बॉर्डर भी जो है वो क्लोज हो गया था जो कि अब खुल गया है दोबारा, तो वो भी एक फैक्टर था। बट मेजर कंसर्न लोगों का जो था वो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे था, वो कल बहुत बेहतर तरीके से जो है वो स्टेट बैंक ने एड्रेस कर दिया है। तो आई बिलीव जो नेक्स्ट ईयर के टारगेट हैं वो हमारा जैसे जीडीपी ग्रोथ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन है 4-5%, स्टेट बैंक की भी इतनी है और हम भी तकरीबन 4.7% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ अचीवेबल। इसके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट कल रजा बाकिर साहब ने भी जिक्र किया कि 2-3% ऑफ जीडीपी रहेगा, तो ये जो है वो तकरीबन आपका 7-9 बिलियन डॉलर का बनता है। और देखें एक बात अंडरस्टैंड करने की है कि हम लोग जो हमारी इकोनॉमी है वो ट्रेडिंग इकोनॉमी है, हम हमेशा से हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा रही हैं और एक्सपोर्ट कम रही हैं। हम इम्पोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, उसके फिनिश गुड्स बनाते हैं और उसको जो है वो सेल करते हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट तो हमेशा ही होगा। बट उसके लिए गवर्नमेंट उसको काउंटर कैसे कर रही है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट को इंसेंटिव दिया जा रहा है, टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो एक इम्प्लीमेंट हुई है, सब्सिडाइज रेट पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उनको दी जा रही है ताकि वो मैक्सिमम जो है वो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है इंक्रीज कर सकें। इसके साथ साथ जो हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स है स्पेसिफिकली आईटी के एक्सपोर्ट, वो जो है वो पिछले 3 सालों में 2 बिलियन डॉलर मतलब डबल हो गई है तकरीबन, तो उस पर भी गवर्नमेंट का जो है वो फोकस है। तो देखें करंट अकाउंट सरप्लस होना कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है, मतलब अगर आप इमर्जिंग मार्केट या इवन डेवलप कंट्रीज़ को भी देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट ही होता है, बट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए सबसे पहली चीज़ ये, और वो इतना ज़्यादा ना हो कि फिर आपके रिजर्व्स पे प्रेशर आना शुरू हो। तो अगर वो मैनेजेबल है तो इट्स गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि देखें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा तो इसका मतलब हम इंपोर्ट भी कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो अकॉर्डिंगली कम, क्योंकि इंपोर्ट कम होगी रॉ मटेरियल कम आएगा और एक्सपोर्ट भी कम होगी, तो सरप्लस होना इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिव थिंग इज़ कि आपकी इकोनॉमी एक सस्टेनेबल मैनर में ग्रो करे और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सटर्नल साइड है करंट अकाउंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना हो, साइमल्टेनियसली आप फिस्कल साइड पे जो है वो अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाओ और उसके साथ जो आपके करंट एक्सपेंडिचर है उनको थोड़ा कंट्रोल रखो। चले ताहिर इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एस एम दानिश अभी स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ की। आशा हम देख रहे हैं आज लगातार तीसरा दिन है कि मार्केट 47,600 और 47,900 के लेवल के अराउंड मूव करती हुई नजर आ रही है, और ये भी एक पॉजिटिव बात है कि 47,600 का लेवल डाउनवर्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन ऑन दी अदर एंड 47,900 के लेवल के जैसे ही करीब जाती है तो वहाँ से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है और मार्केट समवेयर इन बिटवीन 47,600 और 900 के लेवल के दरमियान क्लोज होती हुई नजर आती है। इसकी क्या वजूहत है गोइंग हेड, क्या 47,600 का लेवल डाउनवर्ड ब्रेक होगा या 48,000 का लेवल अपवर्ड ब्रेक होगा, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मेहनती साहब, अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वन सलाम।
सबसे पहले तो जो अभी मैंने मार्केट के बारे में बताया, लगातार तीन दिनों से मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज के दरमियान मूव करती हुई नजर आ रही है, क्या वजूहत है इस बात? देखिए, आई थिंक जो ग्लोबल मार्केट्स हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। आई थिंक कोविड पेंडेमिक जो है वो पूरी दुनिया भर की मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। ऑयल प्राइसेस भी जो है हमने देखा है सबडूड रही हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जब गिरती हैं, जाहिर है उसमें हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जो है, एशियन मार्केट्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लिया है। कल 4-5% नेगेटिव बंद हुई हैं। पाकिस्तान मार्केट अगर हम देखें कि उसके बावजूद जो है मुस्तकबिल स्टेबल जो है वो इस वक्त क्लोज कल देखा गया था। अभी कुछ प्रेशर है, 70-80 पॉइंट नेगेटिव है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट्स का जो प्रेशर है जो पेंडेमिक को लेके, वो इस वक्त इम्पैक्ट कर रहा है। वो कमोडिटी प्राइसेस के अंदर भी प्रेशर लेकर आ रहा है और ज़ाहिर इक्विटी मार्केट्स में भी प्रेशर है। ठीक है, तो अब क्या लगता है कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो कि हमारी मार्केट को पॉजिटिवली ड्राइव करते हुए नजर आया? बजट भी आ गया, लोग कह रहे थे कि बजट थोड़ा एडजस्ट होगा, उसके बाद बजट के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, वो भी हम अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, अर्निंग सीज़न है और अर्निंग सीज़न में जो इस वक्त पेआउट्स हम देख रहे हैं स्पेशली ऑयल सेक्टर के, वो रिकॉर्ड पेआउट्स होंगे। ज़ाहिर है ऑयल कंजम्पशन हमने देखी है कि वो तकरीबन 20% तक जो है वो कुछ पॉल प्रोडक्ट्स के अंदर गई है। अगर पेआउट्स अच्छे आते हैं ऑयल सेक्टर के तो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। साथ में हमने देखा है कि जो डेटा आ रहा है बैंक डिपॉजिट जो है उसमें ग्रोथ है डबल डिजिट, और फिर उसके बाद हमने देखा है कि कल जो डेटा है जो हमारी GIDC की जो लेवीज़ वगैरह लगेंगी वो उसकी पोस्टपोनमेंट की बात है, IPPs के साथ डील की बात है। तो आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि मार्केट को इस वक्त स्टेबल करके रखी हुई हैं। स्पेशली हम देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, जो कि रुपी इस वक्त गिरा है, रुपी फिर स्टेबल हुआ है। आई थिंक कि रुपी स्टेबिलिटी एक रीज़न हो सकता है जिससे मार्केट जो है उसको सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, रुपी की आपने बात की तो लास्ट ये फिस्कल ईयर की बात करें तो 6% का ऑलमोस्ट यानी 10 रुपये का जो है वो इंक्रीज डॉलर के अगेंस्ट रुपी ने विटनेस किया, क्या वजूहत रही इस स्ट्रेंथ होने की और उसके बाद इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी? देखिए, रुपी स्टेबिलिटी हमें इस वजह से नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान की रिमिटेंसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हमने देखा है, $29 बिलियन लास्ट ईयर हो गई हैं, और आने वाले वक्तों के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट्स की भी जो है $1.5 बिलियन से ज़्यादा लास्ट ईयर रिसीव हुआ है, और आने वाले वक्तों में हमें नज़र आ रहा है कि वो इम्प्रूव होगा। आई थिंक कि रुपी की स्टेबिलिटी जो हमें नज़र आई है एक दो दिन से वो एक रीज़न है मार्केट की पॉजिटिविटी का। इसके अलावा कल जो पॉलिसी रेट जो मुस्तहकम किया गया 7% पे, वो भी एक रीज़न है कि मार्केट आज तेज़ खुली है, और आने वाले वक्तों में जब पॉलिसी रेट कम होगा तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो आई थिंक कि जो रुपी की स्टेबिलिटी है उसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के FX रिजर्व्स के साथ है, और जो कल जो स्टेट बैंक की तरफ से जो पॉलिसी के जो डिसीजन हुआ है उसमें एक बेसिस बनाया गया है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $15 बिलियन को एक्सीड करते हैं इस वक्त जो SBP के रिजर्व्स हैं, और आई थिंक ये इंप्रूव होंगे आने वाले टाइम पीरियड। ठीक है, बात की फिर से लॉकडाउन लग गया है, और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है लेकिन स्टिल लॉकडाउन तो है, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका स्टॉक मार्केट पर भी, इकोनॉमी पर भी? देखिए, अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है कि ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपोर्ट्स थोड़ी वीक होती हैं जब लॉकडाउन लगते हैं, तो जाहिर है हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पर इम्पैक्ट आता है, तो GDP ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमने देखा IMF तकरीबन 3.9% तक प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान की ग्रोथ, और स्टेट बैंक भी काफ़ी ज़्यादा शेकी है, 4-5% की ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है जो पॉलिसी अनाउंसमेंट में उन्होंने इंडिकेट किया है। तो आई थिंक कि अगर पाकिस्तान की ग्रोथ 5% पर रहती है तो जाहिर लाना है तो जाहिर लॉकडाउन के इम्पैक्ट को कम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जिस तरह से इससे पहले स्मार्ट लॉकडाउन किए थे उसी को जो है वो तरजीह देनी पड़ेगी। ये पूरी दुनिया का इस वक्त मसला है, डेल्टा जो कोविड वायरस निकला है, आई थिंक कि इसको निमटने के लिए पाकिस्तान पर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएंगे उसके लिए गवर्नमेंट की जो इससे पहले मराते थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए, उसको कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अहसन साहब, ये जो रिकवरी इकोनॉमिक रिकवरी की अगर हम बात करें पाकिस्तान में कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आई थिंक कि जो स्लोडाउन है इकोनॉमिक स्लोडाउन वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है, और जिसकी वजह से IMF जो है ग्लोबल ग्रोथ को 6% तक लेकर आ रही है, और जाहिर प्रोजेक्शंस डाउनवर्ड भी हैं। ये इम्पैक्ट कोविड का जो पड़ रहा है पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, और जाहिर इस पर एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की। अब आई थिंक कि इसको गोइंग फॉरवर्ड इसको कटेल करने के लिए, इस इम्पैक्ट को कम से कम करने के लिए गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ हैं या गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं या गवर्नमेंट की जो रिबेट्स हैं वो सर्टेन सेक्टर्स को देनी पड़ेंगी ताकि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, IPOs की अगर हम बात कर लें, लास्ट फिस्कल ईयर में हमने 8 IPOs देखे थे और कोविड के बावजूद हमने बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होते हुए देखा था, इस बात की क्या वजूहत है, इस साल के लिए क्या एक्सपेक्ट करें हम IPOs के हवाले से? देखिए, IPOs तो कंटिन्यू रहेंगे, आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखा जा रहा है। प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो लिस्ट होना चाहती हैं, वो इसलिए लिस्ट होना चाहती हैं कि ज़ाहिर कैपिटल की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब पॉलिसी रेट कम होता है 7% पर है तो कैपिटल की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से IPOs हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल मज़ीद बढ़ेंगे।
जाएंगे, 8 से जो है ये 10 से 12 हो जाएंगे आने वाले सालों के अंदर। और आई थिंक कि ये इन्वेस्टर बेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन इन्वेस्टर को भी लाया जाए। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्टअप होते हैं जब फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, और रोशन के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट वो भी इन एरियाज़ के अंदर आती है। तो आई थिंक कि IPOs की जो का जो लॉन्च होना है PSX पे वो कंटिन्यू रहेगा। अब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी है जो कि इस मोमेंटम को जो है वो बढ़ा दे। और आई थिंक कि उसके लिए जितनी लिस्टेड कंपनीज़ को, यानी कि लिस्ट होने के बाद जितनी मराते दी जाएँ टैक्स एग्जेम्पशन, कुछ अभी 2 साल तक है, अगर वो बढ़ाकर 5 साल या 10 साल कर दिया जाए तो आई थिंक कि वो मरावतों की बेसिस पर प्राइवेट कंपनीज लिस्ट होना चाहेंगी, जिससे इन्वेस्टर बेस बढ़ता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है। ठीक है अहसन साहब, लास्ट वर्ष यही की बात कर लें तो 38% हमने स्टॉक मार्केट में इंक्रीज देखा, इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि कुछ एनालिस्ट कह रहे थे कि 53,000 का जो स्टॉक हाई था वो शायद दिसंबर एंड तक उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मीट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल तवक्कात हैं, और उसकी तवक्कात की वजह यह है कि जो पॉलिसी रेट है उसको मुस्तहकम किया गया है 7% पर, और पॉसिबिलिटी है कि अगर इन्फ्लेशन 5 से 7% हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि पॉलिसी रेट के अंदर मजीद कमी आए। अगर पॉलिसी रेट के अंदर कमी आती है तो जाहिर है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 53,000 का लेवल था वो मार्केट क्रॉस करेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान का अगर डाउनग्रेड हो जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान मार्केट में आ सकती है MSCI की डाउनग्रेड के बाद, और आई होप कि FATF के भी कुछ डिसीजंस हैं, अगर वो पाकिस्तान की फेवर में आ जाते हैं आने वाले टाइम पीरियड में तो वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का मजीद रुख कर सकती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये कि स्ट्रेटजी इस वक्त मार्केट में क्या रखनी चाहिए? देखिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरफ फोकस करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को जो है वो देखना चाहिए कि ऑयल सेक्टर के अंदर जो अब स्ट्रॉन्ग पे आउट्स आ रहे हैं तो कौन सी ऐसी ऑयल कंपनीज हैं जिन पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। थैंक यू सो मच अहसन साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अहसन मेहंती साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना यह है कि बाय ऑन डिप्स सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी मार्केट में रखी जाए। रिजल्ट सीजन है, ऑयल सेक्टर के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और स्पेशली जिस तरह जब मार्केट इतनी एक रेंज बाउंड हो तो फिर ऐसे शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्ट करने में जिनको ज़्यादा प्रॉफिट दे सके, जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छी हो। तो ओवरऑल जो है वो मार्केट का फिलहाल तो अभी देखा जाए तो मार्केट अभी रेंज बाउंड ही नज़र आ रही है। बैक टू यू नताशा। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं एक रिजल्ट सीजन के आने से मार्केट के अंदर चेंज आ सकता है, जो 47,000 और 48,000 के लेवल्स स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी मार्केट में कुछ मूवमेंट शुरू हो सकती है। ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ताहिर, रिजल्ट सीजन से या अर्निंग सीजन से काफ़ी उम्मीदें हैं, अब क्या समझ रहे हैं आप, क्या होने वाला है और कितने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं? देखें बिल्कुल, रिजल्ट सीज़न जो है वो फिस्कल ईयर कंपनीज़ का जून में और कैलेंडर ईयर कंपनीज़ का सेकेंड क्वार्टर होगा, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी रोबस्ट होंगी, स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर की, क्योंकि हमने ऑयल प्राइसेस में मेजर जंप देखा है जून एंडिंग क्वार्टर में, और इसके साथ साथ ऑटोज़ के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर होंगे, इसके साथ स्टील्स के रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर होंगे, बैंक्स के भी रिजल्ट जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो है वो ब्रेक इवन लाइक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी बट रिजल्ट्स मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे होंगे, और आई थिंक उन रिजल्ट्स की बेसिस पे फिर उसके साथ ऑब्वियसली जो डिविडेंड अनाउंसमेंट होगी फुल ईयर बेसिस पे, तो उससे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम को जो है वो कैरी ऑन करेगी। एग्जैक्टली। अच्छा ताहिर, आपने देखा कि एहसन मेहंती साहब भी वहाँ मौजूद थे और एक्सपर्ट हैं कैपिटल मार्केट के, वो ये भी कह रहे थे कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम अभी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर एंड तक एक पॉजिटिव ग्रोथ का बायस बनेगा, और इसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया कोविड के स्टार्ट में, जैसे कि दूसरी लीनियंसीज दी गई डिफरेंट सेक्टर्स को, तो आप समझते हैं कि अब जबकि कोविड का वही चैलेंज दोबारा आ खड़ा है तो आने वाले दिनों में कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो दोबारा पॉलिसीज बनेंगी और दोबारा कुछ ऐसी लीनियंसीज दी जा सकती हैं जिससे इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करे? देखें जो सबसे बड़ा स्टिमुलस दिया था स्टेट बैंक ने वो इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन था, और उसको बहुत बेहतर तरीके से अब तक स्टेट बैंक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसे मैनेज कर रहा है, और अभी भी लास्ट कल जैसे हमने जिक्र किया कि अकोमोडेटिव स्टांस ये स्टेट बैंक का, और इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो पुराना स्टिमुलस जैसे टर्फ के अंदर जो डिसबर्समेंट थी वो पैसे जो है वो कुछ फिस्कल 21 में निकले हैं, कुछ फिस्कल 22 में निकलेंगे, तो वो जब पैसे निकलेंगे तो उससे मशीनरी इंपोर्ट होगी और एक्सपेंशन साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। तो आई थिंक जो पुराना स्टिमुलस है उसका रिजल्ट आने में भी फिस्कल 22 जो है वो मिड या खत्म हो जाएगा, और फर्दर सोचा जा रहा है पॉलिसीज के बारे में। जो ये STPF है, स्ट्रेटजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, व्हाट इज दिस, इसके अंदर क्या इंपैक्ट आ सकते हैं इससे अगर बेसिकली इसमें तो देखें जैसे मैंने बीच में भी जिक्र किया था कि गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनको बेहतर किया जा सके, और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं
उनको फेमिलियर कराया जा सके। देखिए हमारी जो इस वक्त कंसंट्रेशन है एक्सपोर्ट्स में वो टेक्सटाइल्स पे, हमारा जो बेस होना चाहिए हाँ मतलब गुड्स में बिल्कुल प्योरली जो है वो टेक्सटाइल्स पे और सर्विसेज में देखें तो आईटी पे। तो बेसिकली जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ हमें हमारी कंसंट्रेशन किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक सेक्टर पे नहीं होनी चाहिए। हमारा जो एक्सपोर्ट बेस होना चाहिए वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। तो इस तरीके से हम जो है वो एक अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। राइट और आपने जिक्र किया है जो पॉलिसीज जैसे चलती आ रही हैं, तो कोविड चैलेंज के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में? स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी हो तो वैसे ही बिजनेसेस चलते रहेंगे या फिर जो कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से जून तक की जो कुछ चीज़ें एंड हो रही थी वो फर्दर कंटिन्यू होंगी? देखिए कुछ रिलैक्सेशन तो इसमें बजट में जो है वो दी जा चुकी है विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन पैकेज। अब जो आगे कोविड को किस तरह टैकल करेगी गवर्नमेंट, मेरा अपना आइडिया ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने फर्स्ट तीन वेव्स में बहुत स्मार्टली जो है वो कोविड को टैकल किया है, और अगर आप उसका मवाजना हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के साथ करें तो इंडिया में बहुत बुरे हालात हो गए थे कोविड के हवाले से भी, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी, और स्पेसिफिकली उनकी इकोनॉमी के हवाले से भी। ऑन द कॉन्ट्री सबसे पहले तो ऑब्वियसली अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है हम लोगों पे, और उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी जो हैं वो ऐसी थी स्पेसिफिकली स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कि हम लोग जो हैं वो कोविड को कंट्रोल भी कर पाए और हमने अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइज़ किया, और साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ भी ऐसी बनाई जिससे हमारी इकोनॉमी को और लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट जो है वो मिल सके, और साइमल्टेनियसली स्टेट बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट कम किए ताकि जो बर्डन है इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट का वो उसका रिलैक्सेशन एक जनरल पब्लिक तक जो है पहुँचे। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही होगी। कंप्लीट लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करेगी। तो स्मार्ट लॉकडाउन जिन जिन जगह पे परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव रेशियो ज़्यादा है उन जगह पे स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, और जो स्टिमुलस इस वक्त चल रहा है हमारे मुल्क में आई थिंक गवर्नमेंट उसको जो है वो कंटिन्यू करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें गवर्नमेंट ने जो इस दफ़ा का बजट अनाउंस किया है उसमें कोई ऐसा एडिशनल टैक्स नहीं लगाया, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि ऑब्वियसली इतने अपेरेंटली नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर आप जहां हम इंटरनेशनली ऑयल प्राइस देखें कहां जा रहे हैं तो उससे तो रिलेट करते हुए लगता बिल्कुल था कि इवन बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि जो बजट का इन्फ्लेशनरी इम्पेक्ट है वो ज़ीरो है। उसके साथ साथ जो ऑयल प्राइसेज हैं उसमें भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं, और गवर्नमेंट ने लोकल जो प्राइसेस हैं उनको उस क्वांटम में नहीं बढ़ाया, और आवाम को एक रिलीफ जो है वो दे रही है। अभी लोकल मार्केट में 5 रुपए का कुछ चेंजेस आए थे अभी, जी अभी आए थे, बट ये तो आप समझ लें कि मार्च ऑनवर्ड जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस कोई बड़ी चेंज हमारे मुल्क में जो है वो नहीं हुई है, और अगर हम मार्च से लेके अब तक इंटरनेशनल ऑयल देखें ना वो तकरीबन $25-30 पर बैरल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव मेजर्स ले रही है और जनरल पब्लिक को जो है वो ताकि उसका जनरल पब्लिक तक जो है वो फ़ायदा पहुंचे, और आई बिलीव के गोइंग फॉरवर्ड कोविड की सिचुएशन को लेते हुए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो एकोमोडेटिव ही रहेंगी, और जहाँ तक लॉकडाउन की बात है तो आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी जो राइट आपने ऑयल का जिक्र किया, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस $71 to $75 दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है? क्या ये अपवर्ड ट्रेंड शो करेंगे या फिर दोबारा कुछ बैकफुट हो जाएंगे? देखें इसमें जो है वो लास्ट ओपेक प्लस की जो मीटिंग हुई थी ओपेक प्लस ने डिसाइड किया है कि हर मंथ तकरीबन 4 लाख बैरल पर डे की जो है वो एडिशनल प्रोडक्शन जो इन्होंने एक फ्रीज़ की हुई है प्रोडक्शन उसको जो है वो मार्केट में ऐड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी करेक्शन लेंगी और इनकी रेंज जो है वो $55 to $60 पर बैरल जो है वो जानी चाहिए। चलें फिर ये तो गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली देखें जब सप्लाई बढ़ेगी इंटरनेशनल ऑयल की तो सप्लाई बढ़ने के साथ साथ जो है प्राइसेस भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी करेक्शन लें, तो और आई थिंक कि हमारी लोकल इकोनॉमी के लिए जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने इंडिया का जिक्र किया था पड़ोसी मुल्क का, तो जीएसपी प्लस स्टेटस से काफ़ी तकलीफ थी उनको, तो अब जो कि प्रोपेगेंडा चल रहा था तो वो कहाँ तक पहुँचा है और अभी हमारा स्टेटस क्या है? आई बिलीव वो एक फैब्रिकेटेड न्यूज़ थी जो कि सोशल मीडिया पर स्पेशली जो है वो इंडिया से जो है वो चली थी, और ये हमने देखा है कि ये पिछले कुछ टाइम में ये ट्रेंड चल रहा है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया वो हमारे ख़िलाफ़ डिफरेंट फोरम्स पे जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है।
तो आई थिंक एज सच कुछ नहीं है, उसकी क्लेरिफिकेशन भी आ गई है. तो इस वक्त जो स्टेटस है जीएसपी प्लस पाकिस्तान का वो इंटैक्ट. राइट. और जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो चीज़ें और जलने वाले वो तो जलते ही हैं, अभी कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में. ओके, बात हो रही है मार्केट की तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं. ताहिर, बहुत ज़बरदस्त एक लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, तो क्या समझते हैं अभी? वन बाय वन सेक्टर से आई थिंक शुरू करते हैं. सीमेंट सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? सीमेंट सेक्टर में देखें, कोल की प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तकरीबन $123 हैं. ये तकरीबन 90-95 हुआ करती थी और रिसेंटली पिछले 2-3 महीनों में बढ़ी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर का फेयर. बट आई थिंक पिक एंड चूज करना चाहिए. सीमेंट सेक्टर में जो बड़ी कंपनी है, जो डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं, जिनके सीमेंट के अलावा भी और बिजनेसेस हैं, उनको कंसीडर करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से. एंड व्हाट अबाउट ईएनपी? जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था, एक वेटेज होता था एक जमाने में ईएनपी का, तो हम वो वेटेज दोबारा फिटनेस करने वाले हैं? देखिए, ईएनपी कंपनीज में जो प्रॉब्लम है, जो उनका मल्टीपल इतना कम है, वो सर्कुलर डेट की वजह से, गैस का सर्कुलर डेट. तो आई बिलीव गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए. जो जिस तरह आईपीपीस का सर्कुलर डेट रिजॉल्व हुआ है, उस तरह जो गैस का सर्कुलर डेट है, उस पे भी गवर्नमेंट को जो है वो फोकस रखना चाहिए और उनके पैसे रिलीज करने चाहिए. तो आई थिंक अगर उस एंड पे कोई काम होगा तो जो इनके इतने चीप मल्टीपल पे ये अवेलेबल हैं, तो इनके मल्टीपल जो है वो रीरेट हो जाएंगे. अच्छा, वन लाइन आंसर देगा, जो एक कंपनी है जिसके बारे में बड़ी ज़्यादा एक स्पेकुलेशन चल रही है और डिफॉल्ट भी लिखा हुआ आ गया है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, ईएनपी सेक्टर की, तो प्लीज़ उसके बारे में भी कुछ बताइए कि व्यूअर्स को क्या करना चाहिए जो इन्वेस्टर हैं ऑलरेडी. आई थिंक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप फंडामेंटली बुक देखेंगे उसकी, तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है. एक्विटी नेगेटिव है, 30 अरब रुपये का सिर्फ एक्विटी पे लॉस है. तो आई थिंक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए और नई पोजीशन उस कंपनी में बिल्कुल बिल्ड नहीं करनी चाहिए. और उसमें ऑब्वियसली देखें, जो ले चुके हैं ऑलरेडी, जो ले चुके हैं ऑब्वियसली, या तो वो उस स्ट्रेटजी को कुछ इस तरीके के बनाएं कि उसको वहाँ पे लॉस बुक करके किसी अच्छे स्टॉक में जो है वो आ जाएं और वहाँ से लॉस रिकवर करने की कोशिश करें. क्योंकि देखें, जब इतना बड़ा फंडिंग गैप होता है तो या तो राइट शेयर्स आते हैं या कुछ और TFC है, वो इशू करना पड़ेगा. तो TFC और डेट तो इशू नहीं कर सकती कंपनी के ऐसे हालात नहीं है. राइट शेयर्स ही इशू करेंगे, तो राइट शेयर इशू करेंगे तो और परफॉर्मेंस खराब ही थोड़ी सी होगी. और तो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखना चाहिए. राइट. एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है. देखें, जहाँ जहाँ अच्छी डिविडेंड यील्ड्स हैं, रिजल्ट सीजन आ गया है, तो उन तमाम स्टॉक्स में जहाँ डिविडेंड यील्ड्स अच्छी हैं, मार्केट रेंज बाउंड है, तो डिविडेंड यील्ड्स वाले स्टॉक में जंप करनी चाहिए. तो अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं. फर्टिलाइजर सेक्टर ज़्यादातर डिविडेंड यील्ड पे चलता है, तो आई थिंक वहाँ भी पिक एंड चूज करना चाहिए. जिनके डिविडेंड यील्ड्स अच्छी हैं, उन पे बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड व्हाट अबाउट आवर एक्सपोर्ट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर? टेक्सटाइल सेक्टर में देखें, जो इस क्वार्टर में आपने देखा है कि जो करेंसी की मूवमेंट हुई है, इसकी वजह से इस साल के जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे, और जो नेक्स्ट क्वार्टर लाइक दिस फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल 22 है, उसके रिजल्ट भी बेहतर होने चाहिए. तो उसमें भी मेरे ख्याल में जो है वो लॉन्ग ले रहा है. Right. चलें फिर रुपी की बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. जी, फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,09,193 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 93,715 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट 1 औंस $1,800.67, ऑयल WTI पर बैरल $71.65, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $74.48. करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 188 रुपीज़, सेलिंग वॉज 190 रुपीज़. यूके पाउंड बाइंग रही 221 रुपीज़, सेलिंग वॉज 224. यूएस डॉलर बाइंग रही 161.50, सेलिंग वॉज 162.70. एंड चाइनीज यॉन बाइंग रही 23.50, सेलिंग वॉज 23.65. एंड सऊदी रियाल बाइंग रही 42.50, सेलिंग वॉज 43 रुपीज़. यूए दिरहम बाइंग एट 43.50, सेलिंग वॉज 44 रुपीज़. कुवैत दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वॉज 484 रुपीज़. एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वॉज 394.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट. हम देख रहे हैं रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था और अब काफ़ी हद तक जो है वो एक स्टक होता हुआ या पॉज होता हुआ दिखाई दे रहा है. ताहिर हमारे पास मौजूद हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज से जानते हैं. ताहिर, रुपी के बारे में बताइए, क्या एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, फिर एप्रिसिएशन और फाइनली एक स्टक पोजिशन? देखिए, हमारे मुल्क में काफ़ी टाइम से जो है वो करेंसी जो है वो मैनेज की जा रही थी. अगर हमने देखा था, 4 साल एक रेट रहता था और फिर आखिरी साल 5वें साल जो है वो एक मैसिव डेप्रिसिएशन स्प्री हो जाती थी और वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बन जाती थी. बट इस गवर्नमेंट में जो है वो जो स्टेट बैंक की स्पेसिफिकली पॉलिसी रही है, जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, कि डिमांड सप्लाई बेस्ड मार्केट डिटरमिन एक्सचेंज रेट, फ्री फ्लोट. इट मीन्स
कि जो करेंसी की मूवमेंट है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगी. तो अगर आपके पास इनफ्लो ज़्यादा होंगे तो करेंसी जो है वो आपकी अप्रिशिएट करेगी, अगर आउटफ्लो ज़्यादा होंगे तो डेप्रिशिएट करेगी. एंड दैट्स द थिंग वी हैव विटनेस फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स. जब जब हमारे पास इन्फ्लोज बेहतर हुए करेंसी जो है अप्रिशिएट हो गई, और जब थोड़े आउटफ्लो हुए तो करेंसी डेप्रिशिएट हो गई. तो इस दफ़ा भी ये हुआ है. तो आई वुड से कि जैसे पहले होता था कि करेंसी की मूवमेंट एक तरफा होती थी, मगर अगर डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती थी तो एवरीबडी नोज कि ये चलता रहेगा, डेप्रिसिएशन ही होती रहेगी. बट इट्स नॉट द केस दिस टाइम. अब दोनों तरफ हम मूवमेंट देखेंगे. अब मुझे लगता है करेंसी जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ आएगी, थोड़ी और अप्रिसिएशन होगी. मुझे लगता है दिसंबर तक इस 162 ही रहेगी, हो सकता है अभी और थोड़ी नीचे आके 159-160 आ जाए, और फिर दिसंबर तक 162 पे जो है वो एग्जैक्टली आपने मेरे ख्याल में दिसंबर में कहा था कि जून तक 162 हो जाएगा, और अभी हम देख रहे हैं एग्जैक्टली. तो थैंक यू सो मच ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद थे. काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज की मार्केट के बारे में, DFCs के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी रेट के बारे में, और तमाम चीज़ें जो कि इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी हद तक डिटेल में बताया. और अब हम देख रहे हैं जो इकोनॉमिक सर्वाइवल नज़र आ रहा है मार्केट का, और ख़ासकर जो एक ट्रैक पे नज़र आ रही हैं चीज़ें वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं. दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ bizstock@ptv.com.pk. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.